सब्सक्राइब कीजिए यूएटी मास्टर जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अनबॉक्सिंग एंड टेक वीडियो के लिए। मैंने पेटीएम से बोया माइक ऑर्डर किया था और कल मुझे ये डिलीवर हुआ है और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो आप लोग जानते ही है कि मेरे जो पिछले वीडियो में साउंड क्वालिटी बहुत ही ख़राब आ रहा था, इसीलिए मैंने ये Boya-M1 माइक लेने का सोचा और इसे ऑर्डर किया था और आज मुझे मिला है। तो मैं इसको खोलता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा नया चैनल है और मैं यूट्यूब में नया हूँ, तो धीरे धीरे मैं वीडियो की क्वालिटी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूट्यूब में धीरे धीरे सीख रहा हूँ भी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तो मुझे हौसला मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ। इसके अंदर मेरा Boya-M1 माइक होगा। तो खोलने के बाद ये देखिए मेरा Boya माइक इसके अंदर से बाहर आ रहा है। देखिए ऊपर की ओर लिखा गया है Boya माइक्रोफोन माइक्रो क्रिएटिव सुपर साउंड क्वालिटी प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये मेरा बहुत ही काम आएगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर स्मार्टफोन्स DSLR एंड PCs। तो मैं ये मेरे स्मार्टफोन में यूज करूँगा और वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा। इसके कुछ की फीचर्स भी है जिसके से हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडियल फॉर वीडियो यूज। इसकी लो हैंडलिंग नॉइज जो इसकी नॉइज कैंसलेशन वो उसकी बहुत बढ़िया है। मैं इसके थ्रू में अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इसकी जो पोलर पैटर्न है वो ओमनी डायरेक्शनल फ्रिक्वेंसी रेंज 65 to 18 kHz। सिग्नल और नॉइज है 74 dB। आउटपुट इम्पीडेंस है 1000 ohm। उसकी बैटरी टाइप LR44। डायमेंशन इज ओवर देयर। सो वेट है इसकी 2.5 ग्राम। पावर मॉड्यूल 18 ग्राम। तो ये यूट्यूबर के लिए बेस्ट माइक है। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी ये माइक को इस्तेमाल करते हैं। तो इस पैकेट को मैं खोल के अभी दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए मैं इसके खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो उसके और इसमें क्या क्या लिखा गया है, अब तो पिक्चर ही देख रहे हैं। तो इसके ऊपर मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो ये इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया, चाइना प्रोडक्ट होने के बावजूद उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो इसके अंदर एक पाउच है, पाउच के अंदर कुछ यूजर गाइड्स है जिसे हम इस कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब बाहर रखते हैं और अभी इस पाउच को निकाल कर देखते हैं पाउच में क्या क्या है। तो पाउच के अंदर हमें मिलेगा मेरा, ये देखिए इसके अंदर एक मेरा क्लीव है और एक बैटरी भी है और इसके अंदर है मेरा केबल जो माइक की लेंथ है 20 फीट इसकी लेंथ है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बैटरी को खोलकर इस जो इसके अंदर डालकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। तो इसकी साउंड क्वालिटी भी मैंने टेस्ट किया है, तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो और कुछ नहीं है इस पैकेट में, तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। इसके क्लिप को मैंने ऊपर लगाकर मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।